ऐसा नहीं कि यहाँ पे रह के थोड़ा सा रिवाइज कर ले, कुछ कर ले। इकोनॉमिक्स तो रिवाइज हो ही चुका होगा तुम्हारा। हाँ, लाइट कम लग रही है। लड़के की शादी करानी है हमारे को, करना चालू। खोलने में भी डर रहा तू? अरे बटन खोलना। हाँ ये ठीक है, बटन खोलने में भी डर रहा हो। चलो ओके। अच्छा, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, ये मॉर्निंग और आफ्टरनून की लड़ाई तो हो गई। और मैं पिछले 2 दिन से आपसे नहीं मिल पाया था बिकॉज ऑफ द सैड डिमाइस, यू नो ऑलरेडी, राइट? बट अब हम वापस आ गए हैं और लेट अस कंटिन्यू। लेकिन 1 मिनट, आ रहा है, आ रहा है, मेरे को कुछ तो याद आ रहा है। तो हमारा हर बार की तरह पहले रिविजन होगा, फिर कॉन्टेंट होगा, येस और नो। हम चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, तो लेट अस रिवाइज ओनली यूनिट नंबर 1, राइट? इकोनॉमिक्स के जो पप्पा है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पप्पा है, उनका नाम था इन द ईयर डैश। उनने एक बुक निकाली, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। यस, उसमें इनने मॉडर्न इकोनॉमिक्स वर्क्स के बारे में बात कही। अच्छा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स एक है नहीं है? इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेयर एज बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस इकोनॉमिक्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। आहो, अरे आहो। अच्छा जी, इसके बाद में हमने बात कर दी, दो तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट एग्रीगेट यूनिट्स, यस और नो? सो इन बिजनेस इकोनॉमिक्स वी ओनली स्टडी माइक्रो, वी स्टडी मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो, ओनली मैक्रो, पक्की बात? अच्छा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद हम लोगों ने देखा फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, एक था पॉजिटिव, एक दूसरा था नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक टॉक्स ऑन फैक्ट्स, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक टॉक्स ऑन ओपिनियंस, यस और नो? सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑन नॉर्मेटिव साइड, यस और नो? मोर ऑफ नॉर्मेटिव साइड। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी वो देर आर 4 सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एनी इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, यस? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिच और पुअर? हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, और कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है? आहो, यस। इसके बाद हमने पढ़ा था वो, अरे वो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ट्रू फॉल्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड, इज इट ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? यस। इज इट अ साइंस? इज इट अ आर्ट? इज इट मल्टी डिसिप्लिनरी? डज इट यूजेस द नॉलेज ऑफ ऑल अदर टॉपिक्स ऑल्सो? बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे को जीवी सर मिले, जीवी सर मेरे को कह रहे थे सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज होता है, ऐसा नहीं है? प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज लॉस। हाँ, फिर एसएम सर मिले, एसएम सर बोले सिर्फ बड़े, हाँ सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस के, पहले ही फॉल्स बोले। अरे सुनो, तो मैं जानता हूं तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं, पर पॉइंट इज, पहले क्वेश्चन तो सुन लो। पहली फॉल्स, क्या सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए है? नहीं, ये छोटे बिजनेस के लिए भी है। आहो। अच्छा जी, हाँ जी भैया। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि भैया 4 तरीके के हमारे पास रिसोर्सेस, 5 तरीके के रिसोर्सेस कौन कौन से है? 5, मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। लेकिन हमारे पास 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। आहो, क्या लैंड में हम फिजिकल लैंड की बात कर रहे हैं या ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं? शानदार। हम लेबर की जब बात कर रहे हैं, लेबर मतलब वही जो फिजिकल मेहनत करता है या वो जो मेंटल एग्जर्शन भी कर रहा है? समझ में आ रही है? तो हर बार फिजिकल करना जरूरी है, कई बार मेंटल एग्जर्शन भी काफी होता है। अच्छा जी, जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, बताइए इकोनॉमिक्स में कैपिटल मतलब हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं या इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेते हैं? दोनों लेते हैं, यस। इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी
मोर देन इकोनॉमिक्स प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट. आहो, अरे आहो. एंटरप्रेन्योर मतलब वो जो रिस्क लेता है. मेजर दो रिस्क कौन से लेते हैं बेटा? फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिस्क. ये दो चीज ली जाती है. बिजनेस कई जगह से अफेक्ट होता है. बिजनेस कई जगह से अफेक्ट होता है. सो एक बिजनेस का एनवायरमेंट किन किन चीजों से अफेक्ट होता है? इज इट अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल, नेशनल? ओहो भाई साहब, एक नंबर. हाँ जी, देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी. ह्यूमन वॉन्ट्स आर एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द वॉन्ट्स इज. सो हम इकोनॉमिक्स यूज करते हैं ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके. इस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी नाम से भी जानते हैं. अरे आहो, कुछ लोग कहते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. यस और नो? राइट. अच्छा जी, कुछ लोग जो कहते हैं यूटिलिटी मेजर हो सकती है, तो इस मेजरिंग टर्म को हम क्या कहते हैं? यूटिल्स. याद आ रहा है क्या? तो जो लोग कहते हैं कि भैया यूटिलिटी मेजर हो सकती है, उसको हम कहते हैं डैश अप्रोच टू यूटिलिटी, एक नंबर. और कुछ कहते हैं कि भैया मेजर नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं, जो कहते हैं कार्डिनल वाले, इन भाई साहब का नाम था, हा, एक नंबर. और जो कहते हैं मेजर नहीं हो सकती, उसका एक नंबर. मुझे तुम लोगों पे आज 1.5 किलो प्राउड है. पार्टी, मेरी बीवी ना मेरे को रोज सिर्फ 100 रुपए देती है, पता है ना तुमको? 100 रुपए में चाय आ सकती है, चाय करेंगे जरूर. अच्छा, अरे भाई साहब, मेरे को एमटी सर मिले, बोले इकोनॉमिक इज अ इंडियन वर्ड. बताओ एमटी सर को, ग्रीक के लोगों के कितने काम थे? दूसरा कौन सा था? और ये वर्ड क्या था? विच मीन्स द लॉ ऑफ. भाई साहब चलो ठीक है, वाह भाई जी. हाँ आ जाओ, हमारा यूनिट 1 यहां पे खत्म हुआ था ब्रो, हैशटैग ब्रो. हमारा यूनिट 1 खत्म हुआ था और यूनिट 2 चालू हुआ था, इकोनॉमिक सिस्टम. कोई भी देश 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम पे आ सकता है, ठीक है? या तो ये कैपिटलिस्ट हो सकता है, कैपिटलिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमी, ऑल्सो कॉल्ड एज लेजिस फेयर इकोनॉमी, जहां पे सारे रिसोर्स और प्रोडक्शन किसके हाथ में होते हैं? प्राइवेट एंटरप्राइजेस. एक कंट्री यूएसए. दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी. यस, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हर रिसोर्स किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में. और इसीलिए इस इकोनॉमी को हम एक और नाम से जानते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल वो अपना किम जोंग, वो वाली. चाइना इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. चाइना में भी सेम चीज होती है. और इसके बाद आता है ये मेरा इंडिया. कौन सी इकोनॉमी है बेटा? मिक्स्ड. यहां पे हर चीज मिक्स्ड है. यस और नो? मिक्स्ड इकोनॉमी. चलिए यहां से आगे पढ़ना शुरू करेंगे. यहां तक अब तक आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, ये पूरा रिविजन डे 1 से लेके यहां तक का. ओके मैं, थैंक यू. चलो आ जाओ, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स है जो आपको समझना पड़ेगा. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ओवरऑल गेम क्या होता है? कुछ कंट्रीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करती है, जिसमें नाम से ही क्लियर है ये इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है. मतलब मेजर रिसोर्सेस, मेजर प्लानिंग, मेजर ऑब्जेक्टिव इज हैंडल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड नॉट गवर्नमेंट. क्या ऐसा होगा क्या कि इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होगा? या रोल तो होगा बट मिनिमम होगा. क्या लगता है? रोल तो होगा बट मिनिमम. अब जैसे अगर आप देखें उष्ट सफरचंद, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यस, अगर आप इन कंपनीज को देखें, आपने कभी इस चीज के ऊपर गौर किया, कभी फोकस किया कि क्यों ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज है पर इंडिया में नहीं? अब रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये फ्री इकोनॉमी पे वर्क करते हैं और फ्री इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में होती है. यस और नो? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अब आप सोचिए, एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट प्लेयर है. जो गवर्नमेंट है, इनका ऑब्जेक्टिव सबका साथ सबका विकास ही होना है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो. लेकिन अगर इकोनॉमी ही प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हुई तो आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होगा या प्रॉफिट्स होगा? यानी इस इकोनॉमी का होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होगा, टू मेक प्रॉफिट्स. यानी जाहिर सी बात है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इनका जो ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये क्लियर कट देखिएगा.
तो आप मुझे बताइए, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन या ये इकोनॉमी ही सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करी, प्रॉफिट्स, आर दे फोकस्ड ऑन सोशल वेलफेयर और दे आर नॉट फोकस्ड ऑन सोशल वेलफेयर? नॉट सोशल, क्योंकि अगर मेरे को प्रॉफिट बनाना है तो मैं तो ऑलमोस्ट किसी भी चीज से प्रॉफिट बनाऊंगा ना। पूछो ना एग्जाम्पल, मोबाइल अलग बेचो, चार्जर अलग बेचो, कॉर्ड अलग बेचो, कौन से फोन की बात कर रहा हूं बेटा मैं, एप्पल। सीधी बात है, आप क्या कर रहे हो, आप हर चीज से, ऑलमोस्ट हर चीज से प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो। तो भैया उसका सफरचंद अलग बेचो, इसका कॉर्ड अलग बेचो, इसका चार्जर अलग बेचो। इकोनॉमी ही प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब इनका सोल एंड सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा पैसा, यस और नो? तो आप मुझे बताइए, जिस इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट बनाना है, इसमें लेबर खुश होंगे या लेबर एक्सप्लॉइट होंगे? क्यों एक्सप्लॉइट होंगे? क्योंकि उनसे भी ये लोग क्या बनवाना चाहेंगे, प्रॉफिट। ये कम पेमेंट करके ज्यादा आउटपुट निकालना चाहेंगे। आइए आज आपको गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी बताता हूं जिसमें इंडिया को बहुत फायदा हुआ। पूछो कैसे? आप सभी जानते होंगे एलन भाऊ मस्क, बराबर है? एलन मस्क ऑपरेट कर रहे थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कहां? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब यूएसए एंड अदर कंट्रीज में। अब इन्होंने देखा कि भैया यूएसए के अंदर में लेबर जो है ये बहुत महंगा है, पर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू मेक प्रॉफिट। इन्होंने देखा कि यार देख, यूएसए के अंदर में लोग भी कम है, पेमेंट्स बहुत हाई करने पड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भैया सबसे ज्यादा यूजर कहां हो सकते हैं टेस्ला के। तो इन्होंने देखा भैया कि सबसे ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में किधर है, चाइना। तो हम एक काम करते, चाइना में अपनी कंपनी खोलते और टेस्ला चाइना से कहां इंपोर्ट करेंगे, इंडिया। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, चाइना में टेस्ला अगर एंटर कर गया तो बहुत सारे कंज्यूमर मिल जाएंगे, लेबर चीप मिल जाएगा और जो इकोनॉमी है ये बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगी। यहां पे तुरंत मोदी जी, भाई और बहनों, तुरंत उसी के साथ साथ नितिन गडकरी साहब, इन्होंने बोल दिया एक मिनट, आपको अगर टेस्ला इंडिया में बेचनी है तो आपकी कंपनी कहां होनी चाहिए, इंडिया में। आपको अगर टेस्ला इंडिया में बेचनी है तो इंडिया में आपकी कंपनी होनी चाहिए। आप जाओगे हमारे दोस्त चाइना के पास और वहां कंपनी ओपन करोगे और बाद में गाड़ी इधर इंपोर्ट करोगे, तो हमारे लोगों को क्या फायदा हुआ आपकी गाड़ी लेकर के? अगर आपको, भाई और बहनों, अगर आपको यहां रहना है तो यहां के कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे भाइयों? इसी के लिए टेस्ला जब तक के इंडिया में नहीं आ जाता, टेस्ला का सेल इंडिया में तब तक के नहीं आता। ऑब्जेक्टिव कंपनी का बड़ा क्लियर था, लेट अस फोकस्ड ऑन इकोनॉमी ओनली। अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, पहले कंज्यूमर ज्यादा कहां मिलेंगे, चाइना, लेबर कहां चीप मिलेगा, चाइना। तो उन्होंने सबसे पहले चाइना पकड़ा, लेकिन वो ये भूल गए कि सेकेंड जो कंज्यूमर है वहां की पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। चाइना में इतने लोग गाड़ी नहीं लेंगे जितने लोग गाड़ी कहां लेंगे, इंडिया में, यस और नो? तो ऑब्वियस ही बात है, तुम यहां ओपन करो, यहां एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी ओपन करो तो हम बेनिफिट देंगे। दूसरी बात, इंडिया ने बहुत सिंपल सा पॉइंट रखा, आप चाइना में जा तो रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो इकोनॉमी सोशलिस्ट है और हम इकोनॉमी कौन सी है, मिक्स्ड। हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो तो मतलब है। आप भले ही प्रॉफिट के लिए आ रहे हो, पर हमारा ऑब्जेक्टिव एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ है, प्रॉफिट टू यू प्लस वेलफेयर ऑफ अस, तो जाकर के बेनिफिट होगा। सो दैट वॉज टेस्ला एंड इंडियन स्टोरी। पर क्या आपने कभी फोकस किया है, ऑलमोस्ट मेजर कंपनीज जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग में है ये सब चाइना से है। पूछिए क्यों? इसी के साथ एक और चीज सोशलिस्ट भी समझाता हूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप सभी के लिए रियल वर्ल्ड से। अगर आप देखेंगे मेजर कार कंपनीज में चाइना का स्टेक है एंड चाइना का डायरेक्ट स्टेक है, जैसे MG हेक्टर हो गया, किया हो गया, यस और नो? और ऐसी अन्य कई कंपनीज इंक्लूडिंग BMW एंड अदर, इनमें चाइना का स्टेक है। पूछो कैसे? एक समय था जब 1960-61 की बात है, चाइना के अंदर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, यस? ऐसे केस में चाइनीज गवर्नमेंट ऊपर आई और चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला भैया अगर किसी को चाइना में वर्क करना है तो उसको चाइना के साथ पार्टनरशिप करनी होगी एंड दिस पार्टनरशिप शुड नॉट बी लेस देन 50%। क्या आपको आइडिया है ऐसा कुछ हुआ था?
चाइनीज कंपनी ने हर कार कंपनी को कहा था कि भैया अगर आपको चाइना में ऑपरेट करना है तो देयर शुड बी अ 50-50% पार्टनरशिप. कितनी बोलो जल्दी से, 50-50% पार्टनरशिप. आप 50-50% लेके आओगे जिसके अंदर में हम 50% के ओनर रहेंगे, 50% के ओनर आप रहेंगे, और उसके बाद आप चाइना में बेचना चालू करो. इसी के लिए आप देखिए कई कंपनीज जैसे BYD, हैव यू हर्ड अबाउट दिस कंपनी? पुणे की सड़कों पे आपको रिसेंटली दिखेगा. और शोरूम कहाँ है? शोरूम है आपका केपी में. BYD, कार का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम. BYD इट्स अ वेरी फेमस चाइनीज कंपनी, कार कंपनी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका नाम बहुत अच्छा है. अब अगर आप देखें चाइना की इस पॉलिसी के कारण चाइनीज गवर्नमेंट बीच में आ गई. चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला पार्टनरशिप हमसे करो और फिर हमारे यहां पे प्रोडक्ट बेचो. सेम चीज अब इंडिया अडॉप्ट कर रहा है धीरे से. इंडिया बोल रहा है देख भाई हम तेरे को पार्टनरशिप करने नहीं बोल रहे क्योंकि हमारा रोल उसके अंदर में नहीं है, पर हम क्या बोल रहे हैं तेरे को, मिक्स्ड इकोनॉमी है तू यहां आ, यहां बना, खुद का वेलफेयर कर, देश का भी वेलफेयर कर. चाइना इसी के अगेंस्ट में क्या पॉलिसी लेता है, टेस्ला बेटा तेरे को कहां आना है, चाइना में. तो यहां पे एक नया एसोसिएशन बना, 50% हमारा, 50% तेरा. और फिर आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, जैक मा. ये सुनो, वेरी फेमस कंपनी Alibaba.com रिसेंटली एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ गलत दे दिया. चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्टेटमेंट गलत दे दिया. 8 महीने तक जैकमा पब्लिक अपीयरेंस में आया तक नहीं. अब वहां पूरी की पूरी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है. जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वो सही. कैसा पॉसिबल है एक व्यक्ति 3 टर्म से प्राइम मिनिस्टर बने जा रहा है देश का? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही वो हो रहा है. इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं. तो यही डिफरेंस आ जाता है तीनों इकोनॉमी में. जहां यूएसए की बात की जाए तो वो प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर वर्क करते हैं. वो बोलते भैया हमारा कंट्रोल मिनिमम, तुम्हारा कंट्रोल मैक्सिमम. इससे फायदा क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टअप कल्चर आपको जितने दिखेंगे ये यूएसए में दिखेंगे. अब स्टार्टअप कल्चर यूएसए में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वहां पर इकोनॉमी फ्री रखी गई है कि भैया तुम अपना प्रॉफिट खुद बना सकते हो, सारे रिसोर्सेस खुद ओन कर सकते हो. इसी के लिए अगर आप देखेंगे कई लोग इंडिया से यूएसए चले जाते और कुछ क्राइटेरिया सेटअप करने के बाद अपने आप को आप यूएसए में कंट्री भी डिक्लेयर कर सकते हो. 2 एग्जांपल बताऊंगा, आज यूट्यूब पे जरूर सर्च करना, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. पहला है ओशो. हैव यू हर्ड अबाउट दिस गॉडमैन ओशो? सर पुणे में कोरेगांव पार्क में इनका एक पूरा आश्रम है. कुछ सालों पहले ओशो जी यूएसए जा करके अपना एक पूरा का पूरा एरिया सेटअप कर दिया, अपनी एक पूरी कंट्री डिक्लेयर कर दी. अल्टीमेटली यूएसए को, यूएसए ने उनको बाहर किया, वापस आके इंडिया में पुणे में आके बस गए. रिसेंटली एक और व्यक्ति सेम लाइंस पे चल रहा है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, नित्यानंद. कभी सर्च कीजिएगा इस व्यक्ति के बारे में. इंडिया में रेप चार्जेस है इनके ऊपर, ये गॉडमैन के ऊपर रेप चार्जेस है. भाई साहब अगर आप कभी इनके स्टेटमेंट सुनोगे ना दिमाग हिल जाएगा. रिसेंटली दे हैव ऑफर्ड टू बिल गेट्स. ऑफर सुनिए मजा आ जाएगा आपको. कभी सुना है इस ऑफर के बारे में? इनने इंटर लाइफ वेल्थ ट्रांसफर नाम का एक कंसेप्ट बनाया है. पूरी बात ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा. इंटर लाइफ वेल्थ ट्रांसफर बिल गेट्स को ऑफर दिया. बोले सर देखो, इस जन्म में आपने करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बनाई, पर अगला जन्म आपका क्या पता कैसा होता है. आप अपने प्रॉपर्टी को डोनेट कीजिए हमारी संस्था में, अगले जन्म आप जीरो से स्टार्ट करोगे, हम आपने जितना डोनेट किया इसका हाफ आपको अगले जन्म में वापस दे देंगे. मस्त 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 मस्त. इंटर लाइफ वेल्थ ट्रांसफर. स्टूडेंट इधर बैठे बैठे भारी कॉन्सेप्ट रही, मेरे मन में काय को नहीं आया ऐसा. भाई ने अच्छा, उन्होंने अपनी एक नई कंट्री बना दी, इक्वाडोर करके एक जगह है, पूरी एक नई कंट्री बना दी कुछ लोगों के साथ बिल्कुल. और यूएसए में चलता है क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मेकिंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव. भाई साहब उन्होंने अपना खुद का एक करेंसी निकाल दिया, कैलासा डॉलर, विच इज इक्वल टू 100 US डॉलर, 1 कैलासा डॉलर. उनका नेशनल फ्लैग में बाबा जी खुद बैठे हैं और साथ में एक नंदी, बराबर है. बाबा जी का कहना है एक दिन उनके मन में आया, सूरज को उन्होंने 18 मिनट तक रोक दिया कि तू उगेगा नहीं. बहुत अलग लग रहा है ना सुनने में. YouTube पे जाकर के सर्च करना बाबा नित्यानंद क्लेम्स,
भाई साहब पूरा का पूरा कंट्री डेवलप कर दिया। अब यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वहां प्रॉफिट मेकिंग इज ओके, और आप फ्री इकोनॉमी में वर्क कर रहे हो तो आप जो चाहे वो डिक्लेयर कर दो। रिसेंटली यूएन की मीटिंग के अंदर में वहां की एक साध्वी आकर के बैठ गई, पूरे वर्ल्ड में हंगामा मच गया ये है कहां। एंड बिलीव मी आप मैप पे इक्वाडोर सर्च करोगे कहीं दिखता ही नहीं, पर ऐसी एक कंट्री एग्जिस्ट कर रही है। दिस कैन बी डन ओनली बाय इंडियन। पहले एक बात समझना, दिस कैन बी डन ओनली बाय इंडियन। हमारे पास इतनी क्षमता है, यस। और आप देखिए, अरे यहां के लड़कों की इतनी क्षमता है, बाइक को हला करके पता कर लेते कितनी दूर गाड़ी जा सकती। मैंने कहा बाइक को बाइक को हला करके पता कर लेते गाड़ी कितनी दूर। लड़कों गलत बात बोल रहा हूं मालिक, कितना टैलेंट है ये सुनो। हमारी मम्मी दोस्त को देख के बता सकती इससे दूर रहे, हमारे ग्रेट लेजेंड देखो दोस्त को देख के बता देती है, कई सालों बाद हमें समझ आता है मां कितनी सही थी। ये सुनो, बाप हमारे शक्ल देख के समझा देता है ये है ही नालायक। पप्पा गोवा जाना है, बैठ घरे, उनको पूरा यकीन है अपने लाल पे। समझ आ रहा है? सो बॉस ये इस तरीके की चीज है। तो फ्री इकोनॉमी में आप बिजनेस फ्री कर सकते हो, आप जो बेचना चाहो बेच सकते हो, पॉइंट टू बी नोटेड। आप पाउडर बेचो या पाउडर बेचो अलाउड, वापस सुनना, आप पाउडर बेचो या पाउडर बेचो अलाउड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। तो बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए कई ऐसी चीजें हैं जो फ्री इकोनॉमी में बिक सकती है पर इंडियन इकोनॉमी में नहीं बिकती, जैसे कई सारे टॉयज। इन खिलौनों के शॉप फॉरेन में है, इंडिया में नहीं हो सकते। वहां ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट, किसी भी चीज से क्यों ना हो, है ना। कई कंपनी जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलती है, मंथली सब्सक्रिप्शन, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन, एनुअली सब्सक्रिप्शन, कई अमेरिकन कंपनीज है, ये ऑपरेट कर सकती है। प्रॉफिट आ किससे रहा है? इररिलेवेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सारे रिसोर्स आप खुद ओन करके रखते हैं, इसीलिए आप देखेंगे यूएसए में पीपल कैन ऑल्सो ओन द आइलैंड ऑन देम सेल्फ। यस नो? खुद का एक आइलैंड ओन कर सकता है क्योंकि सारे रिसोर्स और सारी चीजें आप खुद ओन कर सकते हो, लेकिन यहां इस तरीके का सिचुएशन नहीं है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमी। आइए पेज नंबर 5। यस, मैंने इसका पीडीएफ आपके ग्रुप पे भेजा है क्या अभी तक के? नहीं ना, मैं आज भेजता हूँ, कन्फर्म। प्लीज जाते हुए एक जन याद दिला देना। सो इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू टोटल सम ऑफ अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज इन द सोसाइटी। इन शॉर्ट द सम ऑफ टोटल डिवाइसेस विच गिव इफेक्ट टू इकोनॉमिक चॉइसेस। देर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, बोलो कौन कौन से? कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म, मिक्स्ड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इज अ इकोनॉमिक सिस्टम विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है दोस्त, प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, प्रॉफिट। इन शॉर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। प्रॉफिट मोटिव इज सिंपली द ड्राइविंग फोर्स। डिसीजन ऑफ कंज्यूमर, आज आप मुझे एक बात बताइए, जब प्रॉफिट ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है तो आपको क्या लगता है, जो हम सोचेंगे वो बनाएंगे या जो कंज्यूमर चाहेगा हम वो बनाएंगे टू इंक्रीज द प्रॉफिट? कंज्यूमर चाहेंगे हम वो बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है इट इज इररिलेवेंट, इससे प्रॉफिट है या नहीं है इज रिलेवेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रिसेंटली एप्पल ने एक एयरटैग नाम की चीज बनाई थी, दो इट वॉज नॉट अ फेमस प्रोडक्ट, इट वॉज अ फ्लॉप प्रोडक्ट, पर एयरटैग आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट या बैग किधर पड़ा है। यस, लोग जो ट्रैवलर्स है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है, इन्होंने क्या किया, एयरटैग्स यूज करने चालू किया, अपने बैग में एक एयरटैग डाल देते थे। अब इनका बैग वर्ल्ड में किधर भी घूम गया तो इनको पता चल जाता था ये बैग है किधर। उन्होंने ये प्रोडक्ट को बना दिया। सेम कैन बी डन बाय जीपीएस ऑल्सो। उसके लिए पैसे लगने की, इतने ज्यादा पैसे लगने की जरूरत नहीं थी, पर इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो प्रोडक्ट भी बना के रख दिया। द डिसीजन ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइडियली गवर्नमेंट हैज नो रोल और लिमिटेड रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द सिस्टम। एग्जाम्पल्स आर यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर एटसेट्रा। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमी और लेजिस फेयर इकोनॉमी। राइट्स टू प्रॉपर्टी, द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स द प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, मशीन एटसेट्रा कैन अंडर द प्राइवेट ओनरशिप।
हैव यू हर्ड अबाउट अ नेम कॉल्ड एज पाब्लो एस्कोबार? भाई साहब ये नाम आपने सुनना ही चाहिए, लड़कों को थोड़ा ज्यादा फैसिनेट करेगा ये नाम। पाब्लो एस्कोबार क्या करते थे? ड्रग डीलर थे, बहुत बड़े, मतलब वर्ल्ड में उनसे बड़ा ड्रग डीलर आज तक नहीं हुआ। भाई साहब नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है नार्कोस, अगर आपको सीरीज देखनी पसंद है ना एक बार देखना, यू नो नार्कोस करके एक सीरीज है, इतनी गजब सीरीज है। सीरीज के अंदर में भाई साहब बेटी को ठंडी लग रही, $10,00,000 जला दिए, बेटी को गर्मी चाहिए इसके लिए। भाई वो आदमी ने लोगों को पैसे दिए कि आप पुलिस वालों को क्या करो, मारो। एक बार खुद की तोप लगा करके कोर्ट तक को उड़ाया हुआ है। आप ओनरशिप रख सकते हो, प्राइवेट ओनरशिप, यू कैन हैव योर ओन आइलैंड, यू कैन हैव योर ओन प्रॉपर्टी, सारे राइट्स आपके पास है। द गवर्नमेंट में हाउएवर पुट सम रिस्ट्रिक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ईच एंटरप्राइज वेदर कंज्यूमर प्रोड्यूसर रिसोर्स ओनर इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप किसी भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी को ले सकते हो, मतलब ये सही है या नहीं है, पर वो प्रोफेशन आप खुद के मर्जी से चूज कर सकते हो, समझे? तो बहुत अच्छा। ऑल इंडिविजुअल आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन। आप क्या कंज्यूम करेंगे ये आपके ऊपर है, वर्क प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज एटसेट्रा। प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन फ्री एंटरप्राइजेस एंड डायरेक्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिजायर फॉर प्रॉफिट इंड्यूस एंटरप्रेन्योर टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन सो एज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर जो मांग रहा है वो दे दो, प्रॉफिट बनाओ, आगे बढ़ो, गेम ओवर। कंज्यूमर सॉवरेनिटी मींस बायर अल्टीमेटली डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी। कॉम्पिटिशन इज द मोस्ट इकोनॉमिक फीचर। Competitions bring out the best amongst the buyer and seller, results in efficient uses, and in this system, all economic decisions and activity are guided by self-interest and price mechanism, which operates automatically. Government price decide ही नहीं करती, private players demand and supply पे game खेलते हैं। How capitalist economy solve their problem? अब capitalist economy में कोई भी problem आ जाती है तो इसको solve कैसे किया जाता है? Consumer choices से। Consumer is the king. उनके डिमांड एंड सप्लाई से। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सच इकोनॉमी यूजेस इम्पर्सनल फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड और सप्लाई एंड प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। तो अपने इकोनॉमी पे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ये काय पे डिपेंड कर देते, कंज्यूमर को क्या चाहिए, जो कंज्यूमर को चाहिए वो बनाना स्टार्ट कर दो, गेम ओवर। व्हाट टू प्रोड्यूस बताइए कौन डिसाइड करेगा, कंज्यूमर। हाउ टू प्रोड्यूस, डोंट यू थिंक हाउ टू प्रोड्यूस ये डिपेंड कर देगा जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये लोग कैपिटल इंटेंसिव पे ज्यादा जाएंगे। पूछो क्यों? कैपिटल इंटेंसिव में प्रोडक्शन जल्दी और स्पीड में होगा, यस और नो? और इससे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, 10 लेबर लगा उससे अच्छा एक मशीन लगा दो। सो एंटरप्रेन्योर विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच इज कॉस्ट मिनिमम, जिनसे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब आप ही बताइए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, प्रॉफिट बनाना है, रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे या पुअर के लिए? रिच के लिए, ऑब्वियस ही बात है, हाँ या ना? इसीलिए आप देखेंगे यूएसए में कंज्यूमर गुड्स नहीं बनते, दे डोंट फोकस ऑन ब्रेड्स, दे डोंट फोकस ऑन व्हीट, दे फोकस ऑन कैपिटल गुड्स। कार बनाएंगे, मशीन्स बनाएंगे, मेजरली ये चीज बनाएंगे, बाकी सब चीजें क्या कर लेते, इंपोर्ट। सो गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए अगर आप देखेंगे रिसेंटली रशिया ने एक एक्सचेंज डील की है किसके साथ, चाइना के साथ। चाइना विल गिव देम फूड्स एंड दे विल प्रोवाइड गन्स एंड बॉम्ब्स टू चाइना, अ बार्टर सिस्टम। रिसेंटली गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी, मतलब जाहिर सी बात है प्रोडक्शन किसके लिए होगा, रिच। डिसाइडिंग कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय एंटरप्रेन्योर्स। इज दिस डन? चलो जी आ जाओ, कैपिटलिस्ट में लिखेंगे, कैपिटलिस्ट के नीचे लिखेंगे। पॉइंट नंबर वन, मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज हेल्ड बाय
बोलो, प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट हैज नो रोल और गवर्नमेंट हैज मिनिमम रोल? गवर्नमेंट हैज मिनिमल रोल। कंज्यूमर इज किंग एंड व्हाट टू प्रोड्यूस इज बेस्ड ऑन हिज डिमांड। कंज्यूमर इज किंग एंड व्हाट टू प्रोड्यूस इज बेस्ड ऑन हिज डिमांड। प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स दे आर फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ वर्क विच प्रोड्यूस, बोलो बेटा, प्रॉफिट। इज दिस डन? सिक्स्थ, देयर इज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। देयर इज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। झालं का? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन विच टेक्निक रिड्यूसेस द, बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इज दिस डन? आ जाओ। अब मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। डिस्कशन, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? बताइए, ऐसी इकोनॉमी होने के फायदे क्या हैं? नाउ अज्यूम योर सेल्फ यू आर इन यूएसए, खुश तो होना ही चाहिए, खुशी होनी भी चाहिए। अज्यूम योर सेल्फ इन यूएसए, अब बताओ क्या फायदे हैं? तुम्हारी इकोनॉमी पूरी ओपन इकोनॉमी है, जो चाहो वो कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जब चाहो तब कर सकते हो। खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है तू। हाँ, क्या फायदे हैं ये इकोनॉमी के, आप बताओ। पहला पहला प्रॉफिट इज इजी, यानी प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन विल बी इजी, बोलू चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरा वेल्थ भी बढ़ेगा। हाँ या हाँ? अरे हाँ या हाँ? सो पहला प्रॉफिट मेकिंग इजी हो जाएगा। दूसरा, हाँ
एब्सोल्युटली करेक्ट, गवर्नमेंट से कोई प्रेशर ही नहीं है, और जब प्रेशर ही नहीं है तो आदमी आराम से काम करता है, प्रेशर ही नहीं है, आदमी आराम से काम कर रहा है, जो कर रहा है उसको लग रहा है सही कर रहा है। थर्ड, बोलो बोलो बोलो, हाँ जी, प्राइस, बिल्कुल सही, प्राइस कैन बी फ्रीली डिसाइडेड, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे प्राइस, मेरा प्रोडक्ट डिसाइड कोई और कर रहा है, नहीं, यस, यानी फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड फ्रीडम टू मेक प्रॉफिट, ये अपने पास है, और क्या फायदे है, यस, फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक बिजनेस डिसीजन, आ रहा हूं, फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक बिजनेस डिसीजन, सिंस मेरे को प्रॉफिट बनाना है, प्रोडक्ट मैं डिसाइड करूंगा, तो मैं डिसाइड करूंगा ना क्या बेचना है, कितने में बेचना है, कैसे बेचना है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा, यस और नो। अब तुम खिलौने वाला टॉय बेचो या टेडी बेयर वाला टॉय बेचो, जिससे प्रॉफिट बन रहा हो बेच दो, हाँ जी बिल्कुल सही, सारे रिसोर्सेज मेरे को गवर्नमेंट के लिए नहीं, मान लो मैंने एक पहाड़ खरीदा, डोंगर, मैंने एक पहाड़ खरीदा, उसके अंदर से निकला कोयला, राइट किसके पास है, मेरे पास, बिकॉज आई कैन हैव एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेस, हाँ जी बिल्कुल सही, बोथ लिबर्टी आ जाएगी, कंज्यूमर कैन सिलेक्ट कौन अच्छा दे रहा उससे लेना है, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, सपोज ये तीनों देने के लिए रेडी है, सपोज कर लो ये मेरे तीनों भाई है, देने के लिए रेडी है, अब ये कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा ना लेना किससे है, जो ज्यादा बेनिफिट देगा, ज्यादा दिनों तक देगा और कम कॉस्ट में देगा, तो डोंट यू थिंक तीनों कंपटीशन करेंगे, बताओ तीनों किस बात पे कंपटीशन करेंगे, पहले प्राइस, दूसरा क्वालिटी, अब इन तीनों के झगड़ों में एंड में जीतेगा कौन, कंज्यूमर, क्योंकि उसको जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, ये सुनो, तीनों अपने परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे ना भाई, हाँ और ठीक है, हमने वो उस टाइम पे कह दिया फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो लेस लीगल रिस्ट्रिक्शन आ गए, और मोटे मोटे तौर पे इतने पांच छह, चलिए अब इसके नुकसान बोलिए, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, आप ऐस प्रॉफिट के चक्कर में आप ऐसा काम भी कर जाओगे जिससे सोशल वेलफेयर होने वाला नहीं है, पाउडर बेचना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, हेलो ये सुनो, इससे पब्लिक की हेल्थ खराब ही होनी है, पर प्रॉफिट बन रहा है ना भाऊ, काम खत्म, तो पहला नुकसान ये है कि यहां पे पब्लिक सेंटिमेंट्स का कोई जगह नहीं है, दूसरा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, आप प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में जो लेबर काम करना चाह रहा है आप उसको बोलोगे भाई देख इतना पैसा दूंगा, करना है तो कर, नहीं तो नहीं कर, थर्ड नहीं मैं ये नहीं बोल सकता, फोर्थ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, सिंस रिसोर्सेस पे मेरा कंट्रोल है, मैं जैसे प्रॉफिट बनाना चाहूं मैं वैसे प्रॉफिट बना सकता हूं, यस और नो, और हाँ जी 100% एब्सोल्युटली करेक्ट, वांट्स एंड नीड्स ऑफ पुअर पीपल विल बी निग्लेक्टेड, क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्ट ही किसके लिए बनाएंगे, अमीर, हमको लेन देन ही नहीं है, गरीब इसे खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, हमको कोई लेन देन नहीं, हम सीधा सीधा बोलेंगे भाई तेरे पास पैसा है तो रुक, तो डोंट यू थिंक इस इकोनॉमी में अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा, डोंट यू थिंक सो, हाँ या हाँ, और बिल्कुल सही है, अगर गवर्नमेंट ही बीच में नहीं आई तो रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन तीनों अलग अलग जगह भाग सकते हैं, और इसी के लिए देखिए जब चढ़ती है तो पूरे का पूरा यूएस अचानक से ऊपर बढ़ता है, लेकिन अभी जब यूएसए गिर रहा है तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज टम्बलिंग डाउन, यस और नो, तो मोटे मोटे तौर पे इसके कुछ फायदे है, इसके कुछ नुकसान है, यस, इसके कुछ फायदे है, इसके कुछ नुकसान है, यस, ऑनलाइन समझते हैं, कोई बच्चे ने कोई जवाब दिया है क्या भाई साहब, हाँ जी, रिड्यूस सोशल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, काजल बिल्कुल सही है, नो एथिक्स इन बिजनेस, ये भी सही है, श्रुति कह रही है भैया एथिक्स नहीं रहेगा बिजनेस में, बात तो खैर है, ये भी सही है, आइए इसके कुछ मेरिट्स है और इसके कुछ डीमेरिट्स है, देखते हैं जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसमें से यहां कितने पॉइंट आए, पहला इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, द एग्जिस्ट
एक्सिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइविंग फोर्स इज द मोटिव. आप अपनी प्रॉफिट रख सकते हो. यस, सेल्फ रेगुलेटिंग है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर, क्योंकि आपका प्रॉफिट ज्यादा बनेगा तो आप इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करते जाओगे. रिसोर्सेज आर यूज एक्टिवली, देर आर हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी. किसी भी चीज से प्रॉफिट आता दिख रहा है, आप उसका प्रोडक्शन रोक दोगे या उल्टा डबल कर दोगे? कॉस्ट टू प्रोडक्शन इज मिनिमाइज, क्योंकि हम हमेशा वो मोड सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है. अल्टीमेट बेनिफिट किसको होना है? कंज्यूमर. ये तीन लोग झगड़ रहे हैं, ये तीनों क्वालिटी, प्राइस एंड प्रोडक्शन के लिए झगड़ेंगे, अल्टीमेट बेनिफिट कंज्यूमर का. कैपिटलिज्म ऑफर इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी. इट रिवॉर्ड द मैन ऑफ इनिशिएटिव. जिसने इनिशिएटिव लिया ये उसको और ज्यादा रिवॉर्ड देते हैं. व्हाई? बिकॉज जिसने इनिशिएटिव लिया उसने प्रॉफिट के लिए लिया होगा, सो ये और ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. एंड इट एनकरेज द एंटरप्रेन्योर एंड रिस्क टेकिंग. आदमी रिस्क लेने को रेडी है, एंटरप्रेन्योर करने को रेडी है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अगेन, एलोन मस्क ओनली. आप मैं धरती पे एक घर बन जाए इसके लिए तकलीफ में. पुणे में आप लोग एक घर पाइजे, घर नहीं तो एक फ्लैट तो भी चाहिए. लड़को अपन यहां ये लड़ रहे, भाई अपना अलग लड़ाई लड़ रहा. भाई की लड़ाई किधर है, घर किधर चाहिए? समझ रहे हो? मतलब वो बोले इंडिया के रेडियस में आने का ही नहीं अपने को, ना कहीं आधार देंगे ना पैन देंगे, कोई आईडी प्रूफ नहीं देंगे, सीधा किधर? मार्स पे. अब एक बिल्कुल अलग थॉट है. कई लोग स्पेस में जाना चाह रहे, अलग अलग जगह जाना चाह रहे, हमारे इधर अलग ही विषय चल रहा. डीमेरिट्स, वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. व्हाई देयर विल बी इनइक्वालिटी? व्हाई देयर विल बी इनइक्वालिटी? रिसोर्स एंड इनकम दोनों की अलग अलग रहेगी. अंडर कैपिटलिज्म देयर इज अ प्रीडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट ओवर द ह्यूमन राइट्स. Human rights are completely neglected. Yes, the capitalist ignore human welfare. Exploitation of labor is common under capitalism. Excessive competition and profit motive works against consumer welfare. Enormous waste of productive resources as firms spend huge amount on advertisement. Let me give you a good example. The example is Domino's. Who knows? डोमिनोज. आपने और मैंने कभी ना कभी जिंदगी में पिज्जा जरूर खाया होगा, और ये पिज्जा डोमिनोज का खाया होगा. आप खुद जाके रेस्टोरेंट में बैठे हो पिज्जा खाने के लिए, कैन यू टेल मी डिलीवरी के टाइम आप क्या देखते हो? पिज्जा कैसे डिलीवर होता है आपको? एक बॉक्स में, यस, उसके साथ चीज बर्ज पिज्जा, ऊपर बहुत सारे टॉपिंग्स डाले हुए, राइट? उसके साथ में 8-10 चिली फ्लेक्स के चीज मिलती, प्लस ऑरेगानोज मिलते, यस, वहां पे थोड़ा सा मसाला रहता, उसके साथ में वो सॉस एंड वो चीज का रहता ना, वो चीज डिप. अब आप मुझे बताइए, जब खाना हमको वहां है, बॉक्स का कोई काम है क्या? बट रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्ट. ये डोमिनोज को छोड़ करके आप लोकल जगह पिज्जा खाने जाओ, चुपचाप एक प्लेट में डाल करके पिज्जा दे देंगे, ले भाई खा. वो प्लेट तीन जगह से झुक रही है, उनको एडवर्टीजमेंट का काम नहीं. पर सिंस दे आर ऑपरेटिंग अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये क्या करेंगे? आपको बड़े बड़े इसमें देंगे. आप अमेजोन देख लो, आप अमेजोन से कोई छोटी सी चीज मंगाओ, एक पैकिंग, दो पैकिंग, फिर एक बॉक्स आएगा, बॉक्स पे काले कलर का वो स्ट्रिप लगा हुआ होगा. काय को इतना खर्चा करने का है? एडवर्टीजमेंट. उनका मेजर खर्चा इसमें रहता कि भैया लोगों तक के वापस नाम पहुंचाओ. क्या आपको पता है डोमिनोज की ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी? पता है? नहीं बताऊं? नहीं बताऊं? चाय पियोगे? चाय पिलाओगे? नहीं नहीं पिलाओगे वॉज द राइट वर्ड. नहीं नहीं पिलाओगे वॉज द राइट वर्ड. चाय पिलाओगे? बोलो हाँ या हाँ. सर हुआ ऐसा कि डोमिनोज ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि इनका बिजनेस अपग्रेड हो. पूछो कैसे? डोमिनोज ने क्या किया, शुरुआत में जब इन्होंने पिज्जा चालू किया, इनकी दो स्ट्रैटेजी सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रही है. पहला, इन्होंने ये देखा कि भैया लोगों में एडवर्टीजमेंट और डोमिनोज का नाम बढ़ाना है, तो इन्होंने क्या किया, डोमिनोज को काय में देना चालू किया, बॉक्स में देना चालू किया. अब ये बॉक्स जो लोग खा रहे हैं इनको तो यूज है नहीं, तो ये बॉक्स ले जाकर के वहां पर डस्टबिन में डालते थे, और डस्टबिन का कचरा एक जगह पहुंचता था. जब लोगों के सामने बार बार डोमिनोज 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 दिखता जाता था कचरे में, और इन्होंने कई बार खाली बॉक्सेस ही कचरे में डाल दिए ताकि लोगों को इतने बार ये नाम दिखे कि लोगों को लगे कि यार
डोमिनोज इतना इतना, एंड लोगों का इस चक्कर में क्या बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा। दूसरा और मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, कोई भी फास्ट फूड जब खाते हैं तो इसमें टाइम लगता है। डोमिनोज ने 30 मिनट्स डिलीवरी टाइम चालू किया, कहा 30 मिनट्स एल्स फ्री, 30 मिनट्स एल्स फ्री। इस चक्कर में उनको 15 में से एक व्यक्ति को क्या देना पड़ा, फ्री देना पड़ा, लेकिन इस चक्कर में 15 लोगों ने ऑर्डर करना चालू कर दिया। एंड ये दो स्ट्रैटेजी डोमिनोज के लिए इतनी सक्सेसफुल और प्रॉफिट मेकिंग रही कि आज तक के उन्होंने ये स्ट्रैटेजी को कभी चेंज ही नहीं किया किसी भी कंट्री में। तो आप इंडिया में भी जब डोमिनोज का प्रोडक्ट खाने जाओगे, आप वहीं बैठ के खाने वाले हो, स्टिल दे विल गिव यू एवरीथिंग। आप कभी उनका पेपर टिश्यू देखना, उस पर भी डोमिनोज लिखा है। यस, उसके बाद में उनका वो चॉकलेट मफिन आता है, वो चेक कर लो, उस पर भी डोमिनोज दिखेगा आपको। तो हर जगह उन्होंने इतना ब्रांडिंग पे पैसा खर्चा किया है, क्योंकि उनको पता है ये अगर कचरे में भी जाएगा तो ब्रांडिंग का ही काम करेगा, ये कचरे में भी जाएगा तो किसका काम करेगा, ब्रांडिंग का ही काम करेगा। एंड दैट्स व्हाई इनका मेजर रिसोर्स जो है ये क्या होता, वेस्ट, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा क्या रहता, एडवर्टीजमेंट्स। यस और नो? अब सेम चीज किसने अपनाई, मैकडी ने भी। सेम चीज किसने अपनाई, मैकडी ने भी, बहुत सक्सेसफुल गेम खेला। वापस से आप वो देखिए, बर्गर इतना सा आएगा, पहले उसके ऊपर व्हाइट कलर का वो बटर पेपर रैप रहेगा, फिर उसके अंदर में एक बॉक्स रहेगा, बॉक्स के अंदर में वो आपको डाल के देते। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। इनफैक्ट अगर वो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लोगे तो देखो उसके ऊपर भी एडवर्टीजमेंट्स करके रखते हैं। ये टोटली वेस्ट है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज में दे सकते हो, पर ब्रांडिंग हैज गॉट अ बिग रोल टू प्ले। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। प्रॉफिट मेकिंग आपको इतने ऊपर पहुंचा देते कि कॉम्पिटिशन आप सबको बाहर कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आप देख लो, इनके कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ये इतने बड़े जायंट्स बन चुके हैं बाय मेकिंग प्रॉफिट, इनके कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बचे। जो कॉम्पिटिटर रहते हैं उनको एक्वायर कर लेते। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक आया, फिर क्या चलने लगा फेसबुक के जगह, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। फिर क्या चलने लगा, इंस्टा, इंस्टा को एक्वायर कर लिया। द नेक्स्ट इज स्नैप, एंड में क्या आएंगे, स्नैपचैट पे आ जाएंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा यंग पब्लिक काय पे शिफ्ट है, स्नैपचैट। लोगों को बताते भैया टुडे इज थर्सडे, टुडे इज थर्सडे, लोगों को बता रहे भाई 11 बज गए, भाई 11 बज गए, कुछ भी खा रहे पहले फोटो खींच रहे। यस सर, अल्टीमेटली एक ही सोशल मीडिया ब्लॉगिंग बची है, फिर एक बचा था ट्विटर, वो भाव ने एक्वायर कर लिया। ले देखे, एक ही सोशल मीडिया है जो फ्री चल रहा, स्नैपचैट, रिसेंटली चैट जीपीटी, देख लो ये एक्वायर हो जाएंगे, क्योंकि बिग फर्म्स अपने प्रॉफिट के दम पे क्या करते हैं, इनको सीधा सीधा एक्वायर करके खत्म कर देते, कंपटीशन ही एक्विजिशन के थ्रू खत्म कर देते, और इसलिए अमीर क्या होते जाता, और अमीर। ये सुनो, आप और मैं व्हाट्सएप पे एक दूसरे को इमोजी भेजते रहे, कोई इसके बिलियंस बना गया, बराबर है। ये दो चीज को हम लिखेंगे ये चार्ट कंप्लीट होने के बाद। आइए सर, सोशलिस्ट पे चलते हैं। सोशलिस्ट के दो एग्जाम्पल दो, बोलो जल्दी से। पहला चाइना, दूसरा नॉर्थ कोरिया। हाँ जी, सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको पढ़ाऊं, सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो ये और भी गजब है। सोशलिस्ट में हर चीज या तो मेजरली गवर्नमेंट ओन्ड होती है, या तो होली गवर्नमेंट ओन्ड होती है, या तो मेजरली। चलिए बात करते किम जोंग की, किसकी बात, आपने क्या क्या सुना है नॉर्थ कोरिया में, क्या क्या अलाउड नहीं है। फोन तो अलाउड है यार, ऐसा मत करो, फोन तो अलाउड है। ओनिंग अ कार नहीं, लिमिटेड हेयर कट्स, आप बाल कैसे कटाएंगे और कहां से कटाएंगे और कितने कटाएंगे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। जीन्स पहनना अलाउड नहीं है। हाँ जी, जीन्स वाले पार्ट। हाँ जी बिल्कुल सही, रिलीजन डजंट एग्जिस्ट। किम जोंग की बेटी का नाम को और यूज कर सकता नहीं। यस और नो? टीवी के ऊपर दो ही चैनल चल रहे, सिर्फ दो चैनल टीवी के ऊपर, और वो दो पे भी सिर्फ गवर्नमेंट का ही बखान चल रहा। इलेक्शन में सिर्फ किम जोंग उनकी फैमिली ही खड़ी होती है, बहुत सारे खड़े होते लेकिन वोट इनको ही जाएगा, तो किम जोंग उनकी फैमिली ही उसके ऊपर रूल करेगी। समझ रहे हो आप, जाने की इच्छा है तेरी, शादी करेगा वहां किसी से, जवाई भी नहीं बनना, मतलब आप बात समझ रहे हो। एवरी रिसोर्सेज इज ओन्ड बाय हु, गवर्नमेंट। अब आप बताइए, अगर सारे रिसोर्सेज ही गवर्नमेंट होल्ड कर रही है तो यू टेल मी
विल देयर बी ऑब्जेक्टिव एज अ प्रॉफिट और ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर? सोशल वेलफेयर. अगर आप रिसेंटली भी बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के टर्मोइल होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, पूछो क्या? उनकी हरकतें तो है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उनकी हरकतें है. बट एक और चीज, बहुत पहले ही जिन्ना साहब जब इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया, हैव यू हर्ड अबाउट जिन्ना साहब? पंडित नेहरू जी और जिन्ना जी, ये दो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे. जिन्ना जी ने सिलेक्ट किया कि हम पाकिस्तान का एक अलग देश बनाएंगे, और नेहरू जी वॉज अग्रीड टू इट बिकॉज ऑफ द ईयर पॉलिटिकल क्राइसिस. जिन्ना जी के बाद उस जगह पे उतना बड़ा कोई पॉलिटिकल फेस था ही नहीं, जिसके कारण जब पाकिस्तान अलग होने के बाद डूबने लगा तो पाकिस्तान आर्मी ने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया. क्या आपको पता है पाकिस्तान में साबुन तक के पाकिस्तान आर्मी बनाती है? पाकिस्तान में साबुन तक के पाकिस्तान आर्मी बनाती है, जिसके चक्कर में बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आर्मी खुद ही रख लेती है, क्योंकि डिफेंस उनके हाथ में, कंज्यूमर प्रोडक्शन उनके हाथ में, हर एक चीज उनके हाथ में चले गई, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर सब कुछ उनके हाथ में. दैट इज द रीजन जो पाकिस्तान में आर्मी में सबसे टॉप पे रहता है वो डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन, ना कि ये एक पॉलिटिकल डिवीजन से डिसाइड होता है. इस चक्कर में पाकिस्तान में क्या बिलीव करेंगे, आज तक कोई भी 5 साल का टर्म पीएम पूरा ही नहीं कर पाया, पीएम कोई भी टर्म पूरा ही नहीं कर पाया. व्हाई? इकोनॉमिक सिस्टम ही ऐसा बना के रखा कि कोई और कंट्रोल कर रहा है पूरी की पूरी इकोनॉमी को. जिस चक्कर में आज क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान में मेजर इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि फूड और शेल्टर भी अब प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी बन गई, पाकिस्तान आर्मी की, क्योंकि सब कुछ रिसोर्सेस तो तुमने ऑन करके रखे, तुम इसको ओपन ही नहीं करने दे रहे. और जब तुम इसको ओपन ही नहीं करने दे रहे तो लोगों को खाना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट और लोगों को हर चीज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, आर्मी, दैट इज गवर्नमेंट के ऊपर आ गई. अब अगर गवर्नमेंट के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आप मुझे बताइए गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव पे वर्क करेगा या वेलफेयर ऑफ पीपल पे? यानी यहां पे इक्वालिटी रहेगी या इक्वालिटी नहीं रहेगी? इक्वालिटी रहेगी, पर एक प्रॉब्लम है इस इकोनॉमी, इक्वालिटी रहेगी. मैं रहेगी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब हर एक को सेम चीज मिलेगी, और मिलेगी किससे, गवर्नमेंट से. तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज किसके पास है, गवर्नमेंट. तो अब बात समझिएगा, ये दो बच्चियां हैं, ठीक है, नाम क्या बच्चा तेरा, साक्षी, तेरा रुचिता. अब दो बच्चियां हैं साक्षी और रुचिता, ठीक है. साक्षी बहुत मेहनती है, रुचिता आलसी है. अब समझो इशू, दोनों को भी रेवेन्यू और सारे रिसोर्स कौन दे रहे, गवर्नमेंट. अब साक्षी कितनी भी मेहनती हो उसको भी उतना ही मिलना है जितना रुचिता को मिलना है, क्योंकि दोनों को पेमेंट, मनी एंड सर्विसेज कौन देने वाला है, गवर्नमेंट. यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेहनत की कोई कीमत नहीं है, और इसीलिए लोग खुद होके ही मेहनत नहीं करना चाह रहे पाकिस्तान में. रीजन, भाई मेहनत किसके लिए करे? मैं अगर साक्षी बोलेगी मैं 10 घंटा काम करने के बाद भी मेरे को 100 ही मिल रहा, और रुचिता को 1 घंटा काम नहीं कर रहा तो भी 100 रुपए मिल रहा, सारे रिसोर्सेस इसके और इसके सेम है, इसकी इच्छा होगी क्या काम करने की? नहीं. साक्षी बोलेगी भाई मेरे को भी काम काय को करना, मैं भी नहीं कर रहा. एंड दैट इज द रीजन कि एज अ कंट्री वो इकोनॉमिकली डेवलप ही नहीं हो पा रहे. सर तो फिर आज तक की इनकी गाड़ी चली कैसे, पूछो ना. मैं वो सारे डिस्कशन कर रहा हूं जो सारे डिस्कशन एकदम रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल है, और ये आपके बुक में है नहीं. सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे आपको कभी मजा भी नहीं आएगा ना समझ आएगा. यही अलग अलग पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा अगर ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है. अब बताओ वेवी, तो अब तक की उनकी गाड़ी कैसे चली, पूछो ना, कैसे चली? फंड्स, आईएमएफ के फंड्स. आईएमएफ हर बार क्या करता था, इनको फंड प्रोवाइड करता था. अब आप खुद होके जवाब दीजिए, सपोज आईएमएफ ने 100 करोड़ रुपए दिए, मेजर फंड लोगों तक के पहुंचता था या किसी के पास पहुंच जाता था? और ये किसी कौन है, पाकिस्तानी आर्मी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि रिसोर्सेस सारे उनके पास पहुंच जाते थे. तो जो पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री हेड पे थे ये हमेशा अमीर बनते गए और बाकी सबको मिला ही नहीं. उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन्हें हर बार पैसे दिखलाता था, पूछो क्यों? अफगानिस्तान की वजह से. अफगानिस्तान एक ऐसा एरिया है जिस पे यूएसए और रशिया दोनों अपने अपने कब्जा करना चाह रहे थे, क्योंकि ये चाइना के पास से भी कनेक्टेड है, इंडिया के पास से भी कनेक्टेड है, पाकिस्तान में भी कनेक्टेड है, उधर अरेबिक देशों से भी कनेक्टेड है.
तो यूएसए ने भी ट्राई किया और रशिया ने भी ट्राई किया टू इन्वेड अफगानिस्तान. अब यूएसए क्या करता था, पाकिस्तान को पेमेंट करता था फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग देयर पर्संस ताकि वो अफगान में जाकर के उनके बिहाफ पे लड़ सके. इससे इंपैक्ट क्या होता था, अमेरिकन पीपल वुड नॉट लूज देयर लाइफ्स. ये फंड के बदले में ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिल जाती थी और पाकिस्तान के व्यक्ति कहां भिड़ जाते थे, अफगानिस्तान में भिड़ जाते थे. एंड दैट इज द रीजन अमेरिका ऑलवेज एट विन विन सिचुएशन, पैसे दे करके भी लोगों से खुशी ले ली और दूसरा खुद के लोग कभी गवाए ही नहीं. एंड दैट्स वाई पाकिस्तान बिकेम द मेजर ट्रेनिंग सेंटर फॉर आर्म्स एंड एमिनेशंस. ये इसके अलग अलग रीजन बने. हम इकोनॉमी से लेन देन है, आगे चीजों से लेन देन नहीं. पर हमने क्या सीखा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती क्या करने की, वेलफेयर. तो इक्वालिटी हर एक को मिलती है लेकिन कभी भी यू विल नॉट गेट फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क. वो बोलेगी मैं 10 घंटे काम करूं तो भी 100 रुपए मिल रहा, मैं 1 घंटे काम करूं तो भी 100 रुपए मिल रहा. विल एनी पर्सन बी मोटिवेटेड टू वर्क? नो. सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये एक डीमेरिट है. यस. अच्छा आप बताइए सारे रिसोर्स अब किसके हाथ में पहुंच गए, पाकिस्तान को एंगल लेके समझाइए, सारे रिसोर्स किसके हाथ में, प्राइवेट प्लेयर या गवर्नमेंट? सो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट बिकेम्स द कमांड इकोनॉमी? कमांड क्यों? अब जो वो बोले वो करना पड़ेगा, रिसोर्सेज ही उनके हाथ में, तो जो वो बोले वो क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ दे कम टू द मेन फेस्ट. द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज प्रोफाउंडेड बाय कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक एंग्लिस. किसने लाया था ये कंसेप्ट, बोलो जल्दी से. कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक एंग्लिस इन देयर वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड इन 1848. इन दिस इकोनॉमी मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय स्टेट. When I say state, it means country, government. All members are entitled to get benefits from the fruit of such social planned economy, also called as command economy or centrally planned economy. Command economy or centrally planned economy क्यों कह रहे हैं हम? सब कुछ एक ही जगह से manage हो रहा है. Yes, under socialist economy, production distribution goods are aimed at maximizing the welfare of a community as a whole. Is that done? That's it. आ जाओ, आज लिखेंगे कल लिखेंगे, ठीक है बेटा लिख दो. Provided by Karl Marx and Friedrich Engels. All resources are held by government. All resources are held by government. All resources are held by government. They work on, बोलो बेटा कौन सा मोटिव, they work on social motive and not only profit motive. Done. Government has complete role. Government has, बोलो बेटा complete role. खत्म. Is this done, Malik? Bye, बोलो बच्चों. मेरे को आपको नोट्स भेजना है तुरंत, 2 मिनट को. अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना है, टेलीग्राम पे बना हुआ है, व्हाट्सएप पे बना हुआ है ना, क्या नाम से है? एकत्वम रेगुलर बैच ना.
भेज दिया मालिक, भेज रहा हूँ मतलब जा रहे हो, इज दिस डन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज कम.